कमरिया करे लपा लप की लॉलीपॉप लागेलू। बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं, है ना। ट्विटर तेरे टुकड़े होंगे, गैंग को भी $8 देने पड़ेंगे। ये बिक गई है चिड़िया। आप सोच रहे होंगे कि ये हम क्या बोलने लगे, तो जरा ये तस्वीरें देखिए। क्या आपको भी लग रहा है कि एलन मस्क ने हिंदी में मजेदार ट्वीट किए हैं? अगर आपको भी ऐसा लग रहा है तो एक बार फिर से इन तस्वीरों को गौर से देखिए। दरअसल किसी ने ट्विटर के नए मालिक एलन मस्क की प्रोफाइल क्लोन कर ली। बताया जा रहा है कि ये अकाउंट ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले एक हिंदी के प्रोफेसर साहब की है। इयान वुल्फोर्ड ऑस्ट्रेलिया में हिंदी के सहायक प्रोफेसर हैं। इन जनाब ने अपने अकाउंट का नाम, प्रोफाइल पिक्चर और कवर इमेज हूबहू एलन मस्क से कॉपी कर ली। जब इनके ट्वीट्स लोगों के सामने आए तो एक बार सभी गच्चा खा गए। लेकिन वेरीफाइड अकाउंट होने के कारण प्रोफेसर साहब यूजर नेम नहीं बदल पाए और पकड़े गए। अब एलन मस्क का जिक्र हो ही गया है तो ये भी बता दें कि एक हफ्ते पहले ही ट्विटर को $44 अरब में खरीदने वाले मस्क ने ट्विटर के करीब 50% कर्मचारियों को कंपनी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। ट्विटर के दुनिया भर में 7500 से ज्यादा कर्मचारी हैं, जिनमें से करीब 3700 की छंटनी की जा चुकी है। कुछ लोग इसे मस्क का तानाशाही रवैया बता रहे हैं, लेकिन मस्क का कहना है कि कंपनी को हर दिन $4 मिलियन से अधिक का नुकसान हो रहा है। ऐसे में उनके पास कार्यबल में कटौती के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं था। मस्क ने यह भी कहा है कि जिन लोगों की छंटनी की गई है उन्हें 3 महीने के वेतन की पेशकश की गई थी, जो कि कानूनी रूप से जरूरी वेतन से 50% अधिक है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए लोकमत हिंदी।